वार्ता प्रसंग छे और दामोदर दास को श्री आचार्य जी तीसरे दिन दर्शन देते, मार्ग की रहस्य वार्ता कहते, ऐसी कृपा करते। और कदाचित तीसरे दिन दर्शन न हो तो तादिन दामोदर दास के पेट में पीड़ा बहुत होती, अत्यंत कष्ट पावते। और पाछे दर्शन हो तो तब तत्काल कष्ट निवर्त हो जाते। ऐसी भांति कितेक वर्ष पर्यंत श्री आचार्य जी दर्शन दिनो ऐसी कृपा करते। जो बात होती सो सब दामोदर दास श्री गोसाई जी की आगे कहते और मार्ग के प्रकार प्रकाश की वार्ता अहर्निश करते। श्री गोसाई जी दामोदर दास के ऊपर बहुत कृपा करते और कहते, जो दामोदर दास के हृदय में श्री आचार्य जी महाप्रभु सदा विराजते हैं। भाव प्रकाश, दामोदर दास को तीसरे दिन श्री आचार्य जी दर्शन देते ताको हेतु यह है, जो तीन दिन लो दर्शन को आवेश का में मगन रहते, तीसरे दिन शरीर की शुद्धि होती, सो विरह कष्ट हो तो सो दर्शन करी फेरी स्वरूपानंद में मगन हो जाते। वार्ता प्रसंग सात। और पहले दामोदर दास श्री गोसाई जी की आधी गादी दावी के बैठते, सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु ने देखियो। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर दास से पूछी, जो दमला तू श्री गोसाई जी को कहा करी जानत है? तब दामोदर दास ने कही, जो महाराज हों तो इनको तुम्हारे पुत्र करी के जानत हूं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास से कहे, जो जैसे तू मोको जानत है तैसे इनको स्वरूप जानियो। वार्ता प्रसंग आठ। एक समय श्री गोसाई जी बैठे हैं, तब दामोदर दास ने कही, महाराज अपनो मार्ग निसंगता को नाही रूप प्रकट करता है। और कहीं जो एक समय श्री महाप्रभु जी पौड़े थे, तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप कहे, जो जीव को उद्धार करो लीला करता अवलंबन शुद्धि करता उद्दीपन भाव, या प्रकार डेढ़ श्लोक कहे, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक शरश उच्यते ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो। यह डेढ़ श्लोक में सब आयो। भाव प्रकाश, सो अभिप्राय कहते हैं, श्रावण महीना के पति भगवान है, एक अमल जो उजियारो पक्ष भक्त जनन को है, तिने एकादशी को दिन प्रभु को है, एकादश्याम एकादश इंद्रिय की शुद्धि भक्त जनन को कराए देखो, महानिशी जो अर्धरात्रि रास लीला में साक्षात भगवान भक्तन सो निसंक होए रहस्य वार्ता करत हैं लीला में, तैसे ही श्री आचार्य सो बोले सगरे अक्षर कहत हैं। यहां ताई श्री आचार्य जी के ऊपर भाव श्री गोवर्धन नाथ जी अब कहे, ब्रह्म संबंध कराओ सबको देह जीव को। साथे दामोदर दास ने श्री गोसाई जी से कहो, जो भक्ति मार्ग के विस्तार की आज्ञा है सो तुम करो। अज्ञानी जीव है या ही ब्रह्म संबंध थे दोष जाएंगे, अंगीकार कराओ। एक श्लोक में लीला, आधे श्लोक में मार्ग की रीति, सब इनमें आयो। या प्रकार श्री गोसाई जी सो दामोदर दास ने कहो,
और तापाशे दामोदर दास की सहायता से आपने श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ की हो। प्रसंग 9 और प्रथम श्री आचार्य की महाप्रभु दामोदर दास कहो जो यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है, जो जहां लगी श्री आचार्य जी के मार्ग की स्थिति है तहां लाई श्री दामोदर दास की भी मार्ग में स्थिति गोप्य है। और दामोदर दास ने कहो जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने पर ही समझो नहीं, ता समय श्री आचार्य जी ने कहो अजहु 10 जन्म को अंतराय है। भाव प्रकाश तापो हेतु यह है जो जब लगी श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की स्थिति है तब लगी दामोदर दास को प्राकट्य फेरी फेरी है। गोप्य रीति सो मार्ग को स्तंभ याते हैं, जो श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय में भगवत लीला स्थापी सो संपूर्ण सृष्टि के उद्धार के निमित्त दामोदर दास के जन्म दसों मार्ग की स्थिति है। जैसे वल्लभ कुल को प्रागट्य है ऐसे ही भक्ति दृढ़करण के लिए दामोदर दास को अनेक वैष्णवन में प्रागट्य है। वार्ता प्रसंग 10 एक समय श्री आचार्य जी सुंदर शिला के पास जाको पूजनी शिला कहे हैं तहां छोकर के नीचे श्री आचार्य जी की बैठक है, तहां दामोदर दास की गोदी में मस्तक धरी आप ओढ़े हैं। ता समय श्री गोवर्धननाथ जी मंदिर से श्री आचार्य जी के पास पधारे, तब दामोदर दास ने सेनही में श्री गोवर्धननाथ जी से कहो जो तुम अवही यहां मत आओ, तुम चंचल हो ताते श्री आचार्य जी जाग उठेंगे। तब श्री गोवर्धननाथ जी ठाड़े होए रहे, तब श्री आचार्य जी जागी उठे कहे बाबा वहां क्यों ठाड़े होए रहे हो, पास पधारो। तब श्री गोवर्धनधर पास आए श्री आचार्य जी से कहे जो तुम्हारो सेवक ने मुकु परजो जो यहां मति आओ, श्री आचार्य जी जागी उठेंगे ताते मैं दूर ठाड़ी ले। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास के ऊपर चीजन लागे जो ते श्री गोवर्धननाथ जी को क्यों बंधे। तब श्री गोवर्धननाथ जी ने कहे इन सब क्यों चीजन को, इनने अपनो धर्म राखो, इनको ऐसे ही चाहिए। तब श्री आचार्य जी गोवर्धनधर को गोदी में बैठाए कपोल परस करके कहे बाबा कछु आज्ञा करो। तब श्री गोवर्धन धर कहे मोको गाय बहुत प्रिय है। तब श्री आचार्य जी सदु पांडे को बुलाए वेद कर्म करिवे की पवित्री हती सो देखे कहे याके दाम करी श्री गोवर्धन नाथ जी को गाय लाए दे। सो श्री आचार्य जी के प्रथम सेवक श्री दामोदर दास रसानी जी ऐसे परम भगवती अंते सो इनकी वार्ता कहां गाय गए। विजय ते श्री मन्मथराधीश प्रभु। प्रथम वैष्णव श्री दामोदर दास जी की वार्ता से तो हमें इतनी कुछ शिक्षाएं मिलती है कि उसे शब्दों में कह पाना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु दान बड़ों के दाता, दामोदर दास जी कहते हैं कि दाता अर्थात गुरु बड़े हैं। इनकी वार्ता यह बताती है कि गुरु में शिष्य की कैसी आस्था होनी चाहिए, गुरु का महात्म्य क्या है। श्री वल्लभ के प्रति दामोदर दास जी का अगाध स्नेह तो देखते ही बनता है। दामोदर दास जी ऐसे भगवती हैं तो इनके विषय में हम और क्या विशेष कहें।